आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया के गांव हरियाणा पड़ा। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित तो वहीं ब्लॉक से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान भूरी है। वर्तमान प्रधान ने इस गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए हैं। लगभग 2500 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर गाँव में सरकारी योजनाओं की जाए तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन तथा विकलांग पेंशन के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी को पूरा लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वही बात अगर शिक्षा की करें तो प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 95 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस की टीम ने ग्राम प्रधानपति द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि वर्तमान प्रधानपति ने गाँव में 45 हैंडपंप लगवाए हैं, लेकिन अभी भी सरकार से कुछ और हैंडपंपों की मांग है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए लगभग 150 बिजली के पोल एवं 4 ट्रांसफार्मर वर्तमान प्रधानपति द्वारा लगवाए गए हैं। उन्होंने गांव में सीसी टाइल्स रोड व खड़ंजों का निर्माण भी कराया है और साथ ही शौचालयों का निर्माण कराकर ग्रामीणों में वितरित भी किए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधानपति ने गांव में पंचायत घर, पानी की टंकी, कब्रिस्तान व शमशान घाट की 4 दीवारी, गरीबों के आवास एवं सोलर लाइटों की राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है। ग्राम प्रधान जिला अमरोहा रहने वाले हैं, सब विकास से निधि का पैसा आता सब काम कराते हैं और जो आता है उसको लगा देते हैं। इसके बाद विकास की जरूरत है, गांव के आवास चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे, और जैसे गांव की पंचायत घर की जरूरत थी इसको नहीं मिल पा रहा, पिंसिलें थी उनकी हमने दे रखा है, 60 साल विधवा विकलांग, इसका कोई कैसे पैसे नहीं आ रहे। इन लोगों से हमको बुराइयाँ मिलती हैं कि प्रधान लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे, ताकि हम इस पर हमने लिखवा रखा है, सबकी पेंसिल फॉर्म ला रखे हैं और कभी तो किसी की गरीब की अब तो कोई पेंसिल चालू नहीं हो पाई। भाई ये हो जाए तो विकास गांव की बुराइयाँ पैदा नहीं हो पाएंगी, सभी विकास होगा तो अच्छा पैदा होगा। बाकी सब कुछ सही है, गांव की आवाज़ रास्ते भी सही है, जो पैसा आ रहा निधि का रास्ते में लगा रहा हूँ सही लग रहा, सब चल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने भी ग्राम प्रधानपति द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सराहना की और बताया कि प्रधानपति गांव की साफ सफाई, विकास एवं गांव की शांति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरा गांव जोया ब्लॉक जनपद अमरोहा के अंदर पड़ता है। इसके अंदर जो हमारे प्रधानपति सजर आलम एक अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि विकास के लिए पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है। तो हम सभी गांव वालों की सरकार से ये मांग है कि विकास के लिए भरपूर पैसा दे। हाँ, ब्लॉक जोया मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर स्थित है और ये हमारा गांव जो है 2016-17 में ODF घोषित हो चुका है और गवर्नमेंट ने ये कहा था जो गांव ODF हो जाएंगे उन्हें हम 26 लाख रुपए विकास के लिए देंगे, लेकिन आज तक वो प्रधान जी के खाते में विकास के लिए धनराशि नहीं आई, जिससे गांव विकास के लिए प्रभावित हो रहा है।